हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड रेसिपीज। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हुए। ये है दही भल्ला की रेसिपी। दही भल्ला खाने के लिए किसी भी हमें सीजन, ओकेजन, पार्टी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब आपका दिल करे तब आप इसे बनाए खाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूले फूले और सॉफ्ट दही भल्ले बनाने का वो सीक्रेट जो कि फुल प्रूफ है, नो फेल। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दही भल्ला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप यहाँ जरूर चेक कर लें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द की दाल बिना छिलके वाली। सो हमें इसे 2 घंटे के लिए भिगो कर रख लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी 2 घंटे रख दिए हैं और दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अगर आप इसे गर्म पानी में फुलाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये फूल जाएंगे। इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है, तो मैंने एक छन्नी से छान लिया है। पानी इसका अलग कर ले एंड एक ग्राइंडर जार ले ले और उसमें आप 2-3 बैचेज में आप इसे ग्राइंड कर ले। 1 ग्रीन चिली और 1/2 इंच अदरक रख लिया है मैंने, तो इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसके साथ ही इसे बिना पानी के इसे पीसना है। ध्यान रखें पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। 2-3 बार आप मिक्सी को चलाएं एंड देन इसे फाइन स्मूथ पेस्ट बना ले। तो 2-3 बार लगेंगे आपको इसे पीसने में अगर आप ऐसा वाला मिक्सी यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे रेडी है ये पेस्ट। सॉल्ट मैंने यूज किया है 1 चम्मच एंड देन इसके बाद से मैं पहले इसे मिक्स कर दूंगी। देन मैंने यहाँ पे लिया है विस्कर और इसे हमें करीब 4-5 मिनट विस्क करना है। जी हाँ, एक यही स्टेप है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत लगने वाली है। सो इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें और कम से कम आप इसे 4-5 मिनट तक लगातार ही विस्क करते रहें। सो 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम में ज्यादा हो गया है और साथ ही साथ बहुत ही फ्लॉपी सा हो गया है, बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा। एंड देन अगर आप विस्कर पे ऐसे रखेंगे तो ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, लाइक स्टिफ पिक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बिफोर एंड आफ्टर। क्वांटिटी में काफी ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ही लाइट वेट हो गया है। सेकंड ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे जांच कैसे करेंगे। अब ये बिल्कुल भी रेडी है, बिल्कुल फ्लॉपी है, तो आप देख सकते हैं चम्मच से भी मुझे इसे गिराने में बहुत टाइम लग रहा है। आप पानी में इसे जब डालेंगे तो देखेंगे कि इसका जो बैटर है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही फ्लफी है। सो ये सेकेंड ट्रिक है जानने का कि हमारा बैटर बिल्कुल भी रेडी हो गया है। यहाँ पे आप इसे कवर करके 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम इसे जरूर दें एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो यहाँ पे एक पतीले में आप कम से कम 1 लीटर गर्म पानी ले लें। यहाँ पे मैंने बॉयलर में ही पानी गर्म कर लिया है, आप चाहे तो गैस पे गर्म कर ले। पानी बहुत खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। 1/2 चम्मच मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो इस पानी को हम बिल्कुल भी रेडी रखेंगे एंड यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म कर लिया है और इसको मैं एक एक करके वड़े हमारे डालते जाऊंगी। सो आप ऐसे तेल के छींटे देते रहे और वड़े अपने आप फूलते जाएंगे। सो आपको बिल्कुल भी इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्के कलर में ही रखना है। यहाँ पे बड़े बहुत ही अच्छे फूले फूले दिख रहे हैं। सो हम इसे क्या करेंगे कि निकाल के सीधे वो गर्म पानी में इसे डालते जाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप गर्म पानी बहुत ही पास रखें और सीधे कढ़ाई में से इसे पानी में डाल देना है। सेकेंड बैच भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कम से कम 2-3 बार में आपको फ्राई करना पड़ेगा इतने सारे बैटर को। सो यहाँ पे भी मैं सेकेंड बैच के सारे ही वड़े पानी में डाल देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के भी कि अंदर से कितना फ्लफी और एरी है। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये वड़े। इसके स्पंज आप देख सकते हैं अंदर जाली हुई सी बनी हुई है ताकि ये अच्छे से दही या पानी को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे ही वड़ों को पानी में रख दिया है और कम से कम आपको 20-30 मिनट्स के लिए आप इसे कवर करके रख दे ताकि ये अच्छी तरह से पानी को सोक कर ले, सॉफ्ट हो जाए। एंड देन आप देख सकते हैं 30 मिनट्स के बाद से ये कलर में भी बहुत हल्के हो गए हैं, तो इन्हें बहुत ही हल्के हाथ तो से हम स्क्वीज करेंगे। ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो सारे वड़ों को हम एक एक करके साइड में ऐसे रख लेंगे। सो यहाँ पे एक देख सकते हैं मैंने एक पैन में स्टोर करके रख लिया है। इसके बाद हम यूज करेंगे दही का। दही कम से कम आपको 1 से 1.5 लीटर लग ही जाएगी। सो यहाँ पे मेरे पास है एक पैकेट का दही जो कि ऑलरेडी फेटा हुआ होता है। सो अगर आप घर का दही यूज कर रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से स्मूथ फेट ले। दही को हम अच्छी तरह से फिल कर लेंगे ताकि वड़ों
उसके नीचे तक अच्छी तरह से दही फिल हो जाए। मैं अलग अलग डब्बों में करके रख रही हूँ, एक ही साथ मैंने सारे वड़े नहीं डाल दिए हैं, सारे दही नहीं डाली है, अलग अलग बैचेज में करके रख रही हूँ ताकि सभी वड़ों को दही में सोक करने का अच्छा से टाइम मिल सके। यहाँ आप दो डब्बे देख सकते हैं, मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ कम से कम 1 घंटे के लिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद मैंने निकाला है और हमारे वड़ों ने बहुत ही अच्छी तरह से दही को सोक कर लिया है। सो अब मैं इसे सर्व करूंगी। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने 3-4 वड़े निकाल लिए हैं, आप चाहे तो जितने आपकी खाने की इच्छा हो वो रख ले। एक्स्ट्रा दही आप जरूर रखें, सर्व करते समय भी आप दही जरूर यूज कर ले। हरे धनी की चटनी और इमली की चटनी मैं इसमें यूज कर रही हूँ। इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप जरूर देख ले कि मैंने इसे बनाया कैसे। इसके साथ साथ कुछ हम स्प्रिंकल करने वाले मसाले भी यूज करेंगे। आप एक प्लेट में इसे सेपरेट सेपरेट करके रख लें, जब भी आपको यूज करना हो तो आप सर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट आप स्प्रिंकल कर दें, चाट मसाला और अमचूर पाउडर यूज किया है मैंने, अनार के कुछ दाने रख रही हूँ एंड देन हरे धनिया से गार्निशिंग करूंगी एंड सेव भुजिया से हम फाइनली इसे गार्निशिंग कर देंगे। ये सभी चीजें गार्निशिंग की, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है हमें, पर लुक एट आवर प्लेट, कितना टेम्पटिंग लग रहा है आप देख सकते हैं। खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है, आप बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। सो हमारे चम्मच पे आ गया है हमारा पहला निवाला। सो लुक एट दैट, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आई एम श्योर आपको मन कर रहा होगा कि बस स्क्रीन से निकाल के खा ही लो। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। आप चाहे तो अगर आपको गार्निशिंग के लिए इतनी सारी चीजों के लिए पेशेंस नहीं है तो आप इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड भुना हुआ जीरा के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बचपन में हम ऐसे ही खाते थे। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल ना हो तो भी इसे बनाने में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए हमें। आई होप मैंने आपको दही भल्ले बनाने का, सॉफ्ट दही भल्ले बनाने का वो सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हो। आप इसे जरूर फॉलो करें और आपके दही भल्ले कैसे बने थे ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। मैं मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।